गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, भारत ने एक बार फिर से अंतरिक्ष में कामयाबी का डंका बजा दिया है। भारत ने आखिरकार वो कामयाबी हासिल कर ली जिसका सबको इंतजार था। चांद पर झंडा गाड़ने के बाद अब सूरज की पड़ताल करने निकल पड़ा है भारत का अंतरिक्ष यान, जिसका नाम है आदित्य L1। तय समय पर इसरो के श्रीहरिकोटा केंद्र से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया और अपने शुरुआती चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करके ये रॉकेट से अलग होकर लंबी यात्रा पर निकल पड़ा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। L1 सैटेलाइट सेपरेटेड। और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है, पुष्टि कर दी गई है। ये अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की नई कामयाबी की तस्वीर है। +5 सेकंड। ये अंतरिक्ष में नया मुकाम हासिल करने का ऐलान है। करोड़ों देशवासियों के अरमान, उम्मीदों और अभिमान के इसरो के अभियान की ये बेहद चमकदार दास्तान है। एक कामयाबी की वो इबारत है जो इसरो ने चंद्रयान की लॉन्चिंग के महज 50 दिनों के अंदर लिखी है। श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में काउंटडाउन खत्म हुआ और सुबह ठीक 11:50 पर PSLV-C57 ने उड़ान भर दी। इसके साथ ही इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च हो गया और करीब एक घंटे के अंदर ही आदित्य L1 PSLV-C57 रॉकेट से अलग हो गया और मिशन का एक बड़ा पड़ाव कामयाब हुआ। इसरो के कंट्रोल रूम में PSLV-C57 और आदित्य L1 की गतिविधियों पर पल पल नजरें जमाए वैज्ञानिकों ने इसकी तस्दीक कर दी। PSLV-C57 से अलग होकर आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के सफर पर अनंत अंतरिक्ष की ओर बढ़ चला। इसके साथ ही कंट्रोल रूम में मौजूद वैज्ञानिकों के चेहरे खिल उठे। सभी ने हाथ मिलाए और एक दूसरे को बधाई दी। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने भी इस सफलता के लिए वैज्ञानिकों की मेहनत की सराहना की। Congratulations, the Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 km, which is intended very precisely by the PSLV, very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking two burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. आदित्य L1 के सफल लॉन्चिंग के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने अंतरिक्ष मिशन की कड़ी में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। खास बात ये भी है कि आदित्य L1 का सफर इसरो के वैज्ञानिकों की ओर से निर्धारित ट्रैजेक्टरी के अनुरूप चरण दर चरण बढ़ रहा है। रॉकेट से अलग होने का पड़ाव आने तक इसके हर मोमेंट पर वैज्ञानिकों की पैनी नजर बनी रहेगी। मिशन का पूरा दारोमदार इसी पर टिका था और कुछ ही देर बाद आदित्य L1 ने शुरुआती चारों चरण सफलतापूर्वक पार कर लिए और रॉकेट से अलग हो गया। From now, the Aditya L1 will take its journey after some earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point, a very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft for its long journey and being put around the hollow orbit of L1. Aditya L1 ke safal launching par PM Narendra Modi ne social media par apni post mein vaikyanikon ko badhai di. Unhone likha, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अंतरिक्ष में भारत की यात्रा जारी है। भारत के पहले सौर्य मिशन आदित्य L1 के सफल लॉन्चिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए, ब्रह्मांड की बेहतर समझदारी विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। श्रीहरिकोटा के इसरो कंट्रोल रूम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग के गवाह बने और वैज्ञानिकों को इस शानदार कामयाबी पर बधाई दी। Congratulations, ISRO. And while the whole world watched this with bated breath,
It is indeed a sunshine moment for India. आदित्य L1 अंतरिक्ष में 127 दिन यानी करीब 4 महीने तक 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। इसके बाद यह हेलो ऑर्बिट के उस मुकाम पर पहुंचेगा, जहां से इसे सूर्य के उन रहस्यों से पर्दा उठाना है जिनसे अभी तक दुनिया अनजान है। हालांकि इस दरमियान वैज्ञानिकों को आदित्य L1 की हर गतिविधि पर निगाह रखनी होगी और हेलो ऑर्बिट में पहुंचने से पहले इसकी रफ्तार पर कंट्रोल करना होगा, ताकि ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में फंसने से बच सके और अपने लिए तय मंजिल पर पहुंचकर अपना काम पूरा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसरो के सौर मिशन आदित्य L1 को साकार करने वाले कौन प्रमुख वैज्ञानिक हैं, कौन है इसरो के इस बेहद खास मिशन के आर्किटेक्ट। इनमें नाम पहला जो है वो है डॉक्टर एस सोमनाथ का ही, जो इसरो के चेयरमैन हैं, जिनकी सदारत में इसरो ने इस मिशन को अंजाम दिया। दूसरा बड़ा नाम है बीजू SR, जो आदित्य L1 के मिशन के डायरेक्टर हैं। इस टीम में तीसरा प्रमुख चेहरा निगार शाजी का है, जो आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। इस मिशन के हेड साइंटिस्ट डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम हैं। इन सब ने मिलकर सौर मिशन आदित्य L1 को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अथक मेहनत की है। आदित्य L1 से इसरो के साथ दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसियों को भी काफी सारी उम्मीदें हैं। आदित्य यान पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर L1 पॉइंट से सूर्य पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखेगा। खास बात देखने वाली यह है कि आदित्य L1 की शोध में सूर्य ग्रहण भी खलल नहीं डाल पाएगा। सिर्फ 125 दिन बाद भारत का मिशन आदित्य L1 जब काम करना शुरू कर देगा तो एक एक करके सूरज के राज खुलने शुरू हो जाएंगे, ऐसा राज जिसमें इस्तेमाल हम मानवता की भलाई के लिए भी कर पाएंगे। आदित्य L1 मिशन PSLVC-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। अंतरिक्ष में भारत ने आज एक और उड़ान भरी है। चांद पर चमत्कार करने के बाद अब सूर्य नमस्कार करने भारत का सूर्ययान आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। चंद्रयान के 10 दिन बाद ही मिशन सूर्यान की सफल लॉन्चिंग की गई, जो अपने लक्ष्य की तरफ सफलता से कदम बढ़ा रहा है। इसरो के इस मिशन से पूरी दुनिया को सूर्य के अनसुलझे रहस्यों के बारे में पता चलेगा। हालांकि आदित्य L1 के लिए सौर तूफान भी एक बड़ी चुनौती है। दो सोलर पैनल लगा हुआ है जिसमें से इसको एनर्जी मिल जाएगा सन से ही, और ये जो डेटा जो ये भेजेगा उसके लिए एंटेना है, जो कि इसरो का बेस स्टेशन में डेटा ये रिसीव किया जाएगा, और इसके साथ सातों पेलोड है जो कि हम लोग अभी भी वर्किंग में है। ये इसको ख़त्म कर देंगे कुछ ही देर में, जो कि सात पेलोड का मॉडल, और ये देख सकते हैं आप एक गोल्डन फॉयल से ढका हुआ है जो कि रहेगा इसको हीट शील्डिंग से बचाने के लिए। वहाँ पर कितनी गर्मी हो सकती है, मतलब 15 लाख किलोमीटर दूर? हाँ, गर्मी तो है बहुत ही, लेकिन ये देखना है ये L1 पॉइंट जो है ये सन के करीब नहीं है, अर्थ के करीब है, तो ये चीज़ है। लेकिन गर्मी से भी जो प्रोटेक्टिव इसको रखना पड़ेगा वह है सोलर विंड से। सोलर विंड आता है या कोरोनल मास इजेक्शन, एक प्लाज्मा मैटर सूरज से निकल के आता है, तो इससे सैटेलाइट को प्रॉब्लम हो सकता है। भारत का ये पहला सौर मिशन सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचने के लिए 125 दिन लेगा। ये पॉइंट अपनी धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, जो धरती से सूरज की दूरी का मात्र 1% ही है, क्योंकि धरती से सूर्य की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। आदित्य L1 लैरेंज पॉइंट 1 के चारों तरफ की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा। ये बिंदु सूरज और धरती के बीच में होता है। आदित्य L1 सूरज और पृथ्वी के बीच में लैरेंज पॉइंट 1 पर रहकर अपना काम करेगा। इसमें लगे 7 पेलोड सूरज से निकलने वाली किरणों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। इस मिशन की मदद से इसरो की कोशिश सौर वायुमंडल को समझना है। आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। आदित्य L1 सूरज की सतह पर
कोरोनल हीटिंग यानी सूर्य के सबसे बड़े हिस्से की बनावट और इसके तापमान की प्रक्रिया को समझेगा। इसके अलावा आदित्य L1 कोरोनल मास इजेक्शन यानी सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोटों से पहले और विस्फोट के दौरान होने वाली गतिविधियों को समझने की कोशिश करेगा। इन्हीं गतिविधियों की वजह से सूरज पर सौर तूफान आता है। आदित्य L1 से इस तूफान को समझने में मदद मिलेगी। लैरेंज 1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखी गई सैटेलाइट सूर्य पर लगातार नजर रख सकती है और किसी ग्रहण का भी यहां असर नहीं होगा। इसके साथ ही कोरोना में मैग्नेटिक फील्ड, टोपोलॉजी, संरचना और उसकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। आदित्य L1 की शोध से पता चलेगा कि सूर्य से हमारा वातावरण किस तरह प्रभावित होता है। 15 लाख किलोमीटर का सफर और वहाँ जाके फिर हेलो ऑर्बिट में इंसर्शन, और वो हेलो ऑर्बिट का टोटल ऑर्बिट पीरियड होता है 178 डेज। अच्छा। तो वो पूरा फिर 127 दिन बाद उसका कार्य चालू हो जाएगा हेलो ऑर्बिट में एक बार इंसर्ट होने के बाद। तो उसको हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट करना एक अपने आप में बहुत ही चैलेंज है, वहाँ तक पहुँचाना एक दूसरी चैलेंज है, और उसके बाद ये ऑर्बिट इंसर्शन एक दूसरी चैलेंज है, और उसके बाद सातों पेलोड जो है उसमें वो कार्यरत हो जाएंगे और डेटा देते रहेंगे 5 साल तक। तो ये सब हमने प्लानिंग किया है और सही समय पे किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सन की 11 ईयर साइकिल में कुछ समय एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, तो उसमें भी 2025 से 28 में ऐसी अपेक्षा है कि सोलर एक्टिविटी काफ़ी बढ़ेगी, जिसके कारण सन फ्लेयर्स, सन स्पॉट्स ये सब देखने को मिलेंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य का अध्ययन करके आकाश गंगा के साथ साथ दूसरी आकाश गंगाओं के तारों के बारे में भी बहुत कुछ जाना जा सकता है। ये सूर्य के वायुमंडल स्टार्ट करने के स्टडी करने के लिए है। जो बाहर का सूर्य का वायुमंडल है उसका तापमान तकरीबन 10 लाख डिग्री है, परंतु जो सूर्य के सतह का तापमान है वो 5700 डिग्री है। तो ये प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा है वो 10 लाख डिग्री कैसे पहुंच जाता है? जनरली होता क्या है कि अगर आप ओवन के पास बैठे हुए हैं तो आपको गर्मी लगती है, परंतु आप अगर दूर जाते हैं तो कम गर्मी लगती है। तो इसी से हम लगता है कि बाहर का तापमान कम होना चाहिए। सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने वाला आदित्य यान कैसा काम करेगा, अब उसको समझ लीजिए। सबसे पहले PSLV-57 रॉकेट आदित्य L1 को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाएगा। निचली कक्षा में पहुंचने के बाद ओवल आकार में लाकर प्रोपल्शन की मदद से इसे L1 पॉइंट की तरफ भेजा जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर होने के बाद क्रूज फेज शुरू होगा और L1 के पास हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 4 महीने का समय लगेगा। आदित्य L1 में 7 पेलोड यानी उपकरण लगे हैं। इनके जरिए फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूरज की सबसे बाहरी परतों यानी कोरोना की स्टडी करेंगे। आदित्यान की सबसे खास बात ये है कि ये मिशन पूरी तरह से स्वदेशी है। इस मिशन में 7 पेलोड्स लगे हैं, जिनमें से 6 को भारत में ही बनाया गया है। आदित्य L1 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलुरु, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता के साथ साथ इसरो की कई लैब में तैयार किया गया है। इस मिशन में लार्सन एंड टर्बो कंपनी भी शामिल है। इसरो के आदित्य L1 से पहले दुनिया में 22 मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए जा चुके हैं। मिशन पूरा करने वाले देशों में अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल हैं। और अब इन चंद देशों में अपना भारत का नाम भी दर्ज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर वैज्ञानिकों समेत पूरे देश में जश्न जैसा माहौल है। हिंदुस्तान अब उन चुनिंदा देशों की कतार में बड़ी शान से आकर खड़ा हुआ जिन्होंने सूरज पर अपने मिशन भेजे हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के चंद दिनों के अंदर ही इस बड़ी उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो को बधाई दी। वहीं सारा देश इसरो और भारत माता के जयकारों के साथ गौरव महसूस कर रहा है।
मैग्निफिसेंट लिफ्ट ऑफ ऑफ PSLV C-57 विद आदित्य L1 ऑन Congratulations. The Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 kilometers, which is intended very precisely by the PSLV, very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking two burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1. Shri Harikota se Aditya L1 ki safal launching ke baad, jab ISRO chief ne iska aupcharik elan kiya, to ISRO vaigyanikon ke chehre khushi se khil uthe. स्पेस कमांड सेंटर तालियों से गूंज उठा। देश को वैज्ञानिकों की मेहनत पर पूरा भरोसा था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह खुद इसरो के कमांड सेंटर में मौजूद थे। उन्होंने वैज्ञानिकों को बधाई दी। कंग्रेचुलेशंस इंडिया। कंग्रेचुलेशंस इसरो। And while the whole world watched this with bated breath, it is indeed a sunshine moment for India. Aditya L1 ki kamyab launching ke baad, PM Modi ne sabse pehle ISRO vaigyanikon ko badhai di. PM ne tweet kiya, Chandrayaan 3 ki kamyabi ke baad Bharat ka antariksh safar jari hai. Aditya L1 ki safal launching ke liye, ISRO ke hamare vaigyanikon aur engineeron ko badhai. पूरी मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष के बारे में समझ बढ़ाने के हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। वैज्ञानिकों की इस जय में जवानों ने भी खूब जोश दिखाया और हाथों में झंडा लेकर आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग का लाइव टेलीकास्ट देखा। अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में गए आदित्य L1 की सफलता पर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में CRPF के जवानों ने भारत माता के जयकारों से माहौल में जोश भर दिया। वहीं दिल्ली के नेहरू प्लेनेटोरियम में आदित्य L1 की लॉन्चिंग को देखने के लिए खास तैयारियां की गईं। छात्रों ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और सफल लॉन्चिंग को एक मील का पत्थर बताया। L1 की बात करें, आदित्य L1, मुझे लगता है कि सूर्य हम लोग बहुत दूर से उस पर रिसर्च करते हैं, लेकिन आदित्य L1 उसके पास जाकर रिसर्च करेगा, जिससे जो चीजें हमें नहीं पता है वो पता चल सकती है। हम लोग जो भी कुछ कर पा रहे हैं साइंस और हमारे साइंटिस्ट जो अभी नए नए खोज कर रहे हैं उसके बदौलत ही हो पा रही है। तो मैं साइंटिस्ट को यही कहना चाहूंगा कि जिस डेडिकेशन के साथ आप लोग सारे फील्ड में अपना परचम लहरा रहे, अपना इंडिया का नाम ऊंचा कर रहे। इससे पहले मिशन की लॉन्चिंग की कामयाबी के लिए हवन पूजन का दौर भी चला। वाराणसी के महामृत्युंजय मंदिर में विशेष अनुष्ठान किया गया। वेद पाठी ब्राह्मण पिछले 3 दिनों से विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। मंत्रोच्चार के साथ मंदिर परिसर गूंजता रहा। वहीं पटना के पशुपतिनाथ वेद विद्यालय में भी आदित्य L1 के मॉडल की पूजा की गई, ताकि भारत का ये सूर्यान अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों से वो सभी राज खोज कर लाए जिससे विज्ञान में तरक्की हो। उधर देहरादून में भी लोगों ने सूर्य नमस्कार किया और मिशन की कामयाबी की प्रार्थना की। और अब जब ये मिशन कामयाब हो गया है तो पूरा देश खुश है और इसरो को एक बार फिर सलाम कर रहा है। सभी दर्शकों को शुभकामनाएं और बधाइयां इस मिशन की सफलता के लिए। तो हम आपको लिए चलते हैं अध्यक्ष महोदय के। और चलिए, चांद से लेकर सूर्य तक के इस सफर में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, बाकी खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए GNTV।